जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि PSTCL वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 491 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो तो आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी पढ़ी हो तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यहां पर आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं कि कब से लेकर के कब तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, किस पोस्ट के लिए कितने पद है, अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और क्या सैलरी आपको उस पोस्ट के ऊपर दी जाएगी। आपको ये सब जानकारी यहाँ पर चेक करने को मिल पा रही है। और नीचे की तरफ आपको जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसकी जानकारी भी देखने को मिल जाएगी कि क्या फीस आपको यहां पर अप्लाई करने के लिए कैटेगरी वाइज पे करनी है, जो कि काफी ज्यादा फीस है जो कि आप यहां पर देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देने वाला हूं, वो आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अप्लाई लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आपको इन सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे करके आपको इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी। यहां से आपको इसको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद आपको ये सब जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। एक बार में आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। यहां पर आपको अपना पूरा नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उस नंबर को दोबारा डाल करके कंफर्म करना है, अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है, उसको दोबारा डाल करके यहां पर कंफर्म कर देना है। नीचे आपको एक यहां पर कैप्चा कोड देखने को मिल जाएगा जो कि अभी मेरे यहां पर नहीं आ रहा है। ये फिल करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को अच्छे से चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको इसकी जानकारी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर लॉग आउट के ऊपर क्लिक करना है। लॉग आउट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया है वो यहां पर आपको डालना है और डालने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ चुका है और आपको ऊपर की तरफ क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देखने को मिल पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं और आपके सामने ये यहां पर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां से आपको PUFFIN यानी कि पफिन ब्राउजर डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद ये वेबसाइट आपको उसके अंदर ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में चलाना है। फिर आपके सामने यहां पर क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो आ जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर जैसे इसको आप क्लोज कर दोगे तो क्लोज करने के बाद यहां पर आपको अन्य जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका क्या जेंडर है वो जेंडर आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव पंजाब डोमिसाइल, क्या आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है, आप पंजाब के निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है। पहले जो भी आपका ईयर है वो ईयर आप चूज कर लीजिए। इसके बाद में यहां से मंथ और फिर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहां पर आता है आर यू सर्विंग एम्प्लॉय, क्या आप PSTCL या फिर PSPCL के सर्विंग एम्प्लॉय है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू पास्ड पंजाबी ओप मैट्रिकुलेशन, यानी कि जो आपकी 10वीं है क्या उसके अंदर आपने पंजाबी भी पढ़ी है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी जहां पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भर देना है। जो आपकी मदर्स का नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट की जानकारी आपको देखने को मिल पा रही है। नीचे प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा अपनी आईडी के अकॉर्डिंग। और ये फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है कि आपकी कौन सी स्टेट है, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। ये करने के बाद नीचे आपसे पूछा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो
ऑफ कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको टेंथ की जानकारी भरनी है, तो आपने टेंथ किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, कौन से ईयर के अंदर पास किए वो ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, कितने मार्क्स आपको आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और कितने में से आए थे वो आपको एंटर करना है। अगर आपके नंबर जो थे वो CGPA के अंदर थे तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर डालना होगा। परसेंटेज आपकी कितनी होती है वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब आती है ग्रेजुएशन डिग्री, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो भी डिग्री है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर आपके सामने है, ये आपको सिलेक्ट कर लेनी है। किस स्पेशलाइजेशन के अंदर आपने की है उस सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आपको लिख देने हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी नेम या फिर बोर्ड नेम, बेसिकली आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर देना होगा फुल फॉर्म में, कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब आपसे पूछा कि डू यू प्रोसेस सर्टिफिकेट फॉर एटलीस्ट 120 आवर्स कोर्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो क्या आपके पास ये सर्टिफिकेट है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करोगे तो आप देखोगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी कि कंपलसरी है आपके पास होना ही चाहिए तभी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आ जाएगी, बेसिकली आपकी फीस का अमाउंट आ जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो फोटो सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करना है, तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। आपको इसको क्लोज करना है, फिर आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहां पर आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करना है, तो आपका यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जो आपके सामने डिक्लेरेशन है ये आपको रीड कर लेना है, यहाँ पर जो कैप्चा है यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। और पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर ओके करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ये अब जो आपका फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट हो जाएगा, आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर भी क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन पे फी, आप अपनी फीस 48 आवर्स के बाद पे कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको इतने टाइम बाद फिर से लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर जो फीस को जमा करने का लिंक है वो मिल जाएगा, आपको यहाँ से ओपन कर लेना है और अपनी फीस को जमा कर लेना है। अगर आपके सामने फीस को जमा करने में कोई प्रॉब्लम आती है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊँ फीस के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए, बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो ये थी आपकी PSTCL वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।